नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और पहले भी उससे पहले चलता ही रहता है। आप सबको पता है भाई, कोविड की वजह से फ्लाइटें बंद कर दी थी, अभी बोल रहे हैं स्टार्ट हो रही हैं, उधर से इधर आ रही हैं। थोड़ा बहुत जो भी है फ्लाइटों के बारे में आप सबको पता ही, उस बारे में हम आज यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। मैं बता दूं, कुवैत में 1,76,000 से प्लस लोग जो हैं वो एक सर्वे में सामने आया गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से कि इलीगल हो चुके हैं। अब उनमें मैंने एक वीडियो 4 दिन पहले डाला था कि सरकार ने बोला है कि भाई आपको हम फ्री में भेज रहे हैं, आपको कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा, कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और एग्जिट लगाएं और अपने कंट्री जाएं। उसके बावजूद भी मात्र 1,000 लोगों ने आवेदन किया, 1,000 लोग ही देश को छोड़ के निकल पाए। जी हाँ, और ये छूट सरकार ने, कुवैत सरकार ने दी थी। आप सबको पता ही होगा कि भाई 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में, लेकिन फिर भी लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। फ्लाइटों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम फ्लाइटों की है, क्योंकि इंडिया के लिए भी बहुत कम फ्लाइटें आ रही हैं, आप सबको पता ही है जो लोग कुवैत में रहते हैं। जी हाँ, लेकिन सरकार ने यहाँ पे और आपको मौका दिया। मैं बता दूं आपको, जनवरी का, अगर आप जनवरी में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, आपका कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, वापस आप लीगल तरीके से अपनी कंट्री जाइए, चाहे आप इंडिया चाहे पाकिस्तान किसी भी कंट्री के हैं, और वापस आप कुवैत जा सकते हैं दोबारा उसी तरीके से दूसरे वीजा में। तो ये कितना अच्छी और कितनी अच्छी बात है भाई, बेनिफिट कितना अच्छा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं भी करूंगा भाई, जो इलीगल वहां पे काफी टाइम से रह रहे हैं, वरना आपका फाइन कितना लगेगा आपको पता है ना। ओमान ने कोई छूट नहीं दी, बहरीन ने कोई छूट नहीं दी, वहां पे लोगों ने, कोई बोलता है 400 हमारा ओमानी रियाल हो रहा है, कोई बोलता है 400-600 हो रहा है, उनके लिए वो भी चुकाना बड़ा मुश्किल है, और वो चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाओगे तो आपको ब्लैकलिस्ट, फिर जेल में होके आना पड़ेगा। तो क्या फायदा इन चीजों में, आपके पास सुनहरा सरकार ने ऑप्शन दिया। आज से आपको पता है, जब लॉकडाउन लगा था तब तो सरकार ने टिकट भी सरकार दे रही थी, तब भी आप लोग नहीं आए। और अभी भी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो इलीगल हैं, उनके भी ये काम आ सकता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि सरकार ने छूट भी दी है क्या। जी हाँ, वो बेचारे कहीं ठेकेदार के पास छोटी मोटी कंपनियों में काम करते रहते हैं, जबकि उनके मन में ये होता है कि यार अपनी कंट्री चले जाए, हम कोई स्कीम आ जाए तो वो स्कीम समझते हैं, लेकिन स्कीम उनको कोई बताने वाला नहीं। और ठेकेदार कंपनी जहां पे वो काम करते हैं, वो बिल्कुल भी उनको नहीं बताते कि भाई सरकार ने ऑप्शन दे रखा है, अभी आप फ्री में जा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर करके 31 जनवरी से पहले पहले आप अपनी कंट्री आ सकते हैं, बिना कोई जुर्माना कुछ लगे, जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा, केस भी नहीं होगा। यार अच्छी बात है ना, फिर आपको लगता है ज्यादा ही चूल है कि नहीं हमें कुवैत आना है, तो आप वापस आइए, दोबारा से वीजा स्टार्ट हो जाएंगे। नई साल हुई है अभी, कोरोना मार्च तक मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा, तो आप दोबारा से कुवैत में जाने की सोचिए या दूसरी कंट्री जाने की सोचिए, कम से कम ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, जुर्माना नहीं लगेगा, जेल जाना नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। बस ये अपडेट आपको लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।